फास्टैग रिचार्ज के संबंध में कॉल आने पर इन्होंने वापस दूसरे नंबर से फ़ोन किया, फिर डिटेल मांगी। डिटेल मांगने के बाद में इसके अकाउंट से 71,815 रुपये निकासी हो गए हैं। इस संबंध में 420 जाँच जारी है। सिविल लाइन थाना अंतर्गत लोहाखान प्रताप नगर में रहने वाले अभिमन्यु सिंह राठौड़ के साथ हुई ठगी। फास्टैग रिचार्ज के संबंध में कॉल करने वाले छात्र ठग ने 71,815 रुपये उड़ाए। सिविल लाइन थाना अंतर्गत लोहाखान प्रताप नगर में रहने वाले अभिमन्यु सिंह राठौड़ पुत्र हरि सिंह राठौड़ ने थाने पर धोखाधड़ी का एक मुकदमा दर्ज कराया है। सिविल लाइन थाने के ASI राम सिंह ने बताया कि अभिमन्यु सिंह राठौड़ द्वारा दी गई रिपोर्ट पर IPC की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। अभिमन्यु सिंह राठौड़ द्वारा दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि उसके पास फास्टैग रिचार्ज के संबंध में एक फ़ोन आया। इसके बाद उसने दूसरे नंबर से उसको फ़ोन लगाया, जिस पर उसने कुछ डिटेल मांगी जो उन्होंने दे दी। इसके बाद उनके अकाउंट से 71,815 रुपये ट्रांसफ़र कर लिए गए। अपने साथ हुई ठगी की वारदात के बाद उन्होंने थाने पर रिपोर्ट दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। यह है अभिमन्यु सिंह राठौड़ स्नोब हरि सिंह राठौड़, मकान नंबर 10 लोहा खान प्रताप नगर का रहने वाला है। इसके पास कोई नंबर से फास्टैग रिचार्ज के संबंध में कॉल आया था। फास्टैग रिचार्ज के संबंध में कॉल आने पर इन्होंने वापस दूसरे नंबर से फ़ोन किया, फिर डिटेल मांगी। डिटेल मांगने के बाद में इसके अकाउंट से 71,815 रुपये निकासी हो गए हैं। इस संबंध में 420 दर्ज जाँच जारी है। कहाँ का रहने वाला है? लोहाखान प्रताप नगर का रहने वाला है। एक ही बार में निकले क्या सर पे से? एक बार में। फास्टैग का कोई लिंक वगैरह शेयर करा था क्या? हाँ, फास्टैग का मैसेज लिंक किया जब उसके पास OTP जाने के हिसाब से।